एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से, और कल भी मैंने सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया था ब्लॉग, और कल का दिन भी पूरा सफाई में गया था। आज का दिन भी ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि कल हमने करी थी किचन की सफाई और थोड़ा खेतों में गुड़ाई करी थी मम्मी ने, और मैंने भी गमलों में थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह करी थी और गमले थोड़े साफ करे थे। और गाइस, आज भी हमें करनी है सफाई, और आज ना मम्मी ने बोला है कि मंदिर की सफाई करेंगे करके, तो मंदिर का सारा सामान तो मम्मी ने बाहर रख दिया धूप में, और अभी फिलहाल करनी है मंदिर की सफाई। तो गाइस, आपको दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या चीज़ें बाहर रखी है मंदिर की करके। ये है हमारा मंदिर, तो देखो मम्मी ने यहाँ पे मंदिर रखा है, और ये सारा मंदिर का यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भी रखा है मम्मी ने। और आज ना इतनी तेज धूप आई है, तो मम्मी ने भी यहाँ मंदिर सुखाने के लिए रखा है बाहर से। और ये काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से मंदिर हमने नहीं लिखा है, लेकिन इस बार हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इस बार मैं भी यही हूँ ना, हर लिखेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तभी तो फिलहाल मम्मी ने मंदिर और मंदिर का जो भी सामान था वो सब कुछ बाहर से रखा है सुखाने के लिए। मंदिर तो मैंने साफ कर दिया है, अभी तो कुछ दिन बाद इसमें मैं पूरा रेड पेंट लगा के फिर दोबारा से लिखूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल कर ही दिया है मैंने थोड़ा बहुत साफ। अभी चलते हैं मंदिर में और मंदिर में सफाई करने के लिए। तो गाइज, ये है हमारा मंदिर, और अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है, अभी जब सब सामान रख दूंगी ना तो उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो अभी फटाफट से पहले पूरा मंदिर साफ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, अभी ना शाम के 3 बज गए हैं, और अभी तक मम्मी ने मंदिर अंदर नहीं रखा है, देखो बाहर से रखा है, और वहाँ पे मम्मी ने भी लहसुन सुखाने के लिए भी रख दिया है। और मैंने यहाँ पे रखा है ये चौकी, जो कि है ये ना बहुत ख़राब सी हो गई है, इसको लिखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 3-4 साल हो गए हैं इसे लिखे हुए भी, तो तब से लिखा भी नहीं है, और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गई है। तो अभी मैं लेके आई हूँ यहाँ पे ये पेंट और ब्रश, तो इसमें मैं पूरे में रेड पेंट कर रही हूँ। आज मैं ये पेंट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कल से ना श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर कल से फिर मैं ये पेंट नहीं लगा सकती, क्योंकि ऐसा बोला जाता है हमारे उत्तराखंड कल्चर में कि श्राद्ध में नहीं स्टार्ट करते, ऐसा करके मम्मी बोली थी। तो अभी इसलिए अगर मैं आज पेंट लगाना स्टार्ट कर दूँगी तो फिर कल से भी मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन कल से ही स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये रेड पेंट पूरा लगाती हूँ इस चौकी में। और तो गाइस, ऐसा बोला जाता है हमारे उत्तराखंड कल्चर में कि श्राद्धों में नहीं स्टार्ट करते करके, तो इसलिए मम्मी बोली थी कि आज ही लगा दे पेंट करके, तो लिखना तो जब भी होगा होगा। अभी तो कल से ना 15-16 दिन तक रहेंगे श्राद्ध, तो इस वजह से कल से हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते ये पेंट वेंट लगाना और कुछ भी, मतलब नया चीज़ स्टार्ट करना, तो इस वजह से फिलहाल मैं इस चौकी में लगा रही हूँ ये रेड पेंट। तो अभी लगाते हैं फटाफट से। तो गाइज़, मैंने ना इसमें यहाँ पे पेंट कर दिया है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा, मतलब इसे सूखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ना ये इसमें बहुत ज़्यादा होल हो रहे थे जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, और तो वो होल को फिल करने में काफ़ी मुझे ज़्यादा पेंट करना पड़ा इसमें, तो अभी भी फ़िलहाल 1-2 होल दिख ही रहे हैं। तो गाइज़, पेंट तो मैंने इसमें कर ही दिया है देखो, और एपर देना तो अभी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कल तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी टाइम है, इसको सूखने में भी टाइम लगेगा, और हो सकता है कल को शायद फिर से करना पड़े क्योंकि इसमें काफ़ी होल है, और तो देखते हैं क्या होता है कल को। और बाकी और मंदिर की सफाई तो मैंने दिन में ही कर रही थी, तो अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मंदिर भी नहीं रखा है अंदर, तो अभी जब सारा सामान अंदर रख देंगे ना मंदिर में, तो उसके बाद फिर आपको मंदिर का पूरा कमरा दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल और निशु हमारी जा रही है मार्केट, इसको कहना मानती नहीं हूँ जैसे, और गाइस निशु हो रही है मार्केट के लिए रेडी, क्योंकि ये जा रही है मार्केट। तो गाइस, अभी ना 6 बज गए हैं, तो अभी मम्मी गई है खेत में, तो आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या करे करके। तो ये देखो, जो सूखा वाला कूड़ा था ना मम्मी उसे जला रही है, और यहाँ पे जो ये पूरी बेल हो रखी है ना, ये देखो ये वाली जो बेल हो रखी है ये तुरई की है, तो इसमें से मम्मी अभी तुरई भी देख रही है कि हो रही है या नहीं हो रही करके, तो फिर तुरई भी तोड़ेगी। वहाँ पे मैं स्टूल देके आई हूँ मम्मी को,
स्टूल में खड़े होके भी ना मम्मी की हाइट वहाँ तक पहुँचेगी नहीं जहाँ पर तुरई हो रहा है, तो इसलिए मम्मी दराती में लकड़ी को बांध के उसे थोड़ा सा लंबा कर रही है ना मम्मी। अब तो सूखने भी लग गई है थोड़ा थोड़ा बेल, है ना बेल यहाँ पर की भी सूख गई है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर वाली तो ज़्यादा ही सूख गई है, वहाँ की थोड़ा अंदर अंदर साइड को सूखी है। तो ये देखो मम्मी ने बना दिया दराती को बड़ा सा, और अब मम्मी फिर भी वहाँ नहीं पहुँच रही है, तो वो तुरे तोड़ दी मम्मी ने। ये क्या हुआ? मैं आऊँ क्या? हाँ फाइनली मम्मी ने तोड़ दिए तुरे दूसरी। तो सिर्फ दो ही तुरई हो रही थी और दो तुरई के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी मम्मी को। तो गाइस अभी ना मम्मी ने मंगा रखा है मुझसे ये धनिया, और मम्मी ना धनिया भी लगा रही है अभी खेत में, तो चलते हैं मम्मी को देख के आते हैं। तो गाइस धनिया तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और तो गाइस धनिया के अलावा और भी चीज़ें हैं जो मम्मी आज लगाने वाली है, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है मूली, आज मम्मी अभी मूली भी लगाने वाली है खेत में, और ये है लाई। तो गाइस लाई और मूली दोनों लेके चलते हैं। ये देखो मम्मी को दे दिया है मैंने, तो ये मम्मी मूली लगा रही है ना मम्मी, तो देखो मूली का बीज तो मम्मी ने ऐसे ऊपर से डाल दिया अदरक वाली जगह पे जहाँ पे अदरक लगा रखा है। वाह क्या स्टाइल है। और यहाँ ऊपर वाले खेत में मम्मी मूली के बीज डाल रही है, और इस खेत में ना हमारी गटेरी भी हो रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत जगह इसका नाम अलग अलग होता है, लेकिन हमारे वहाँ तो इसको गटेरी बोलते हैं, है ना। और क्या, अच्छा मूली और लाई मम्मी ने इसमें भी लगा दी है, और अब बचता है धनिया, तो अभी मम्मी धनिया भी लगाएगी। तो गाइस ये तुरई मम्मी अभी तोड़ के लेके आई है, दो तुरई के लिए तो मम्मी ने बहुत मेहनत करी, ऊपर ऊपर हो रही थी और बाकी जो तुरई है वो नीचे नीचे ही हो रही थी, तो अभी फिलहाल मम्मी इनको तोड़ के ला गई है कल के। और गाइज आज के और कल के ब्लॉग में ना सेम एक्टिविटी हो रखी है, मतलब कल के ब्लॉग में भी सुबह पहले मम्मी ने खेत में गुड़ाई करी थी, और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे गमले में फूल वगैरह लगाए थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने किचन की सफाई करी थी, और आज के ब्लॉग में भी पहले मंदिर की सफाई करी, उसके बाद फिर खेत का काम करा मम्मी ने, तो सेम एक्टिविटी हुई। बस एक चीज़ का फ़र्क है कि कल मॉर्निंग में गुड़ाई करी थी उसके बाद सफाई करी थी, और आज पहले सफाई करी उसके बाद फिर खेत में गए। मम्मी लगा रही है यहाँ पे देखो, ये मम्मी तीन टब मम्मी ने यहाँ पे बना रखे हैं, इसमें मम्मी ने गुड़ाई टाइप की भी कर दी है, और अब मम्मी इसमें यहाँ पे लगा रही है धनिया। फिलहाल ये मम्मी ने लगा दिया है इसमें भी धनिया।